के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बता दें आपको, बीजेपी ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तो उम्मीदवारों की लिस्ट का इंतजार था, लगातार बैठकों का दौर जो है बीजेपी में चल रहा था। कल भी बड़ी बैठक जो है हुई है और अब जो है लिस्ट बीजेपी के द्वारा जारी की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। छत्तीसगढ़ के 7 सीटों के लिए लिस्ट जारी की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ के 7 सीटों के लिए लिस्ट जारी की गई है। मध्य प्रदेश की 39 सीटों के लिए लिस्ट जारी की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लंबे वक्त से इंतजार था, छत्तीसगढ़ के 7 सीटों के लिए लिस्ट जारी की गई है। साथ ही साथ आपको बताएं, मध्य प्रदेश के लिए 39 सीटों के लिए लिस्ट जारी की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है उम्मीदवारों की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा से चुनाव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख पा रहे हैं। लिस्ट जारी हो गई, चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ लेकिन लिस्ट जारी कर दी गई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से। यह लिस्ट जारी की गई है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की कल बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद नामों पर मुहर लगा दी गई है। नाम कौन कौन से हैं, लिस्ट क्या है, यह आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। मध्य प्रदेश से 39 नाम जारी कर दिए गए। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की प्रेमनगर, भटगांव, प्रतापपुर, रामानुजगंज, लुंद्रा, खरसिया और धर्मजयगढ़, ये 7 सीटें हैं जिसके लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि इन नामों की अगर बात की जाए, 7 नामों में से एक राम विचार नेता जो रामानुजगंज से प्रत्याशी बनाए गए हैं, बाकी बड़े नाम इसमें नहीं है, ये आपको बता रहे हैं। बड़े नाम नहीं है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 39 नाम और सीटें कौन कौन सी है, ये भी आपको एक एक करके बताने वाला है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको ये लिस्ट बता रहा है। सबलगढ़, सुमावली, कोहत, पिछोर, चाचौड़ा, चंदेरी, पंडा, महाराजपुर, छतरपुर, देखिए कौन सा बेल्ट है, किस बेल्ट में ये टिकट, पहली लिस्ट जो जारी हुई है किस बेल्ट के लिए जारी हुई है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। सबलगढ़, सुमावली, गोहत, पिछोर, चाचौड़ा, चंदेरी, बंडा, महाराजपुर, छतरपुर, पथरिया, गुन्नौर, चित्रकूट, पुष्पराजगढ़, बड़वारा, बरगी, जबलपुर पूर्व, पेटलावत, कुक्षी, धर्मपुरी, राऊ, तराना और घटिया, ये 39 है नाम। इसके अलावा लिस्ट आपको बता दें, शाहपुरा, बिछिया, बैहर, लांजी, बरघाट, गोटेगांव, सौसर, पांडुर्रा, मुल्ताई, बैतूल को भी कवर कर लिया, भैंसदेही। इसके अलावा भोपाल से भी प्रत्याशियों के नाम कर दिए गए हैं घोषित, जिसमें भोपाल उत्तर और भोपाल मध्य का नाम घोषित किया गया। आपको एक एक करके नाम बताएंगे। सोनकच्छ से किसको टिकट दिया ये भी बताएंगे। महेश्वर से किसको पार्टी उम्मीदवार बना रही ये भी बताने वाले हैं। कसरावत, अलीराजपुर और झाबुआ, ये सारे नाम। और छत्तीसगढ़ की लिस्ट की अगर बात की जाए तो कुल 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए, जिसमें कोरबा, मरवाही, सरायपाली, खल्लारी, अभनपुर, राजिम, सिहावा, दौंडी, लोहारा, पाटन, खैरागढ़, खुज्जी, मोहला, मानपुर, कांकेर और बस्तर। बस्तर से मनी राम कश्यप को टिकट दिया है पार्टी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ की लिस्ट आपको बताते जाते हैं, आप नीचे नाम भी आप देख पा रहे होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रेमनगर से श्री भूलन सिंह मरावी को पार्टी ने टिकट दे दिया है। भटगांव से लक्ष्मी राजवाड़े पार्टी ने प्रत्याशी उन्हें बनाया है। प्रतापपुर से शकुंतला सिंह पोर्थे, रामानुजगंज से राम विचार नेताम पार्टी के सिंबल पर लड़ने वाले हैं और ये बहुत पहले, चुनाव के काफी पहले, तारीखों का ऐलान हुआ नहीं। अमूमन हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं कि प्रत्याशियों की लिस्ट तारीखों के ऐलान के बाद जारी होती है,
लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने वाले हैं कितने अलग होने वाले हैं और पार्टी कितने अलग तरीके से इस बार इस चुनाव में उतरने वाली है, कितनी प्लानिंग तगड़ी की गई है, इससे आप समझ सकते हैं कि पहले ही लिस्ट जारी कर दी गई है। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही में भोपाल से हमारे एडिटर सुधीर कुमार दीक्षित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों से बात करते हैं। सबसे पहले सुधीर जी, मैं आपके पास आता हूं। कल बैठक हुई थी, ये बार बार कहा जा रहा था कि उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो सकती है और फिर ये कहा गया कि खाका तैयार हो रहा है, लेकिन ये लिस्ट आ जाना, अभी तो तारीखें घोषित नहीं हुई, उसके पहले लिस्ट जारी कर देना 39 नाम मध्य प्रदेश से, ये क्या बता रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये तैयारियां की जा रही थी, बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी था और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो 7 बीजेपी के प्रभारी मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बनाए गए थे, कहीं ना कहीं उनका जो फीडबैक था उसका ये असर देखने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर जो मीटिंग दिल्ली में हुई थी, बीजेपी की जो बैठक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जो कल परसों में जो बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद भी अनुमान लगाया जा रहा था कि निश्चित तौर पर इसमें आगे की रणनीति पर बात होगा, लेकिन शायद इस बात का अंदाजा किसी को नहीं रहा होगा कि इतने जल्दी कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट बाहर आ जाएगी। ऐसे में 29 उम्मीदवारों की घोषणा करना कहीं ना कहीं बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा है। ऐसे में उम्मीदवारों की घोषणा करना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये फायदेमंद हो सकता है कि आप देख सकते हैं कि 20 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लगातार कुछ न कुछ जो चीज़ें वो सामने आती रहती है। अपने हाल ही में अलग अलग जो राज्यों के चुनाव हुए उनमें बीजेपी ने अपनी क्या रणनीति अपनाई थी उसको लोगों ने देखा, उसको जनता ने देखा है। खास तौर से जब हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के लिए जो रणनीति थी वो सबने देखी। उसके बाद जब कर्नाटक के चुनाव हुए, हालांकि नतीजे बीजेपी के फेवर में नहीं रहे, लेकिन वहां की भी जो रणनीति थी कहीं ना कहीं वो चुनाव जीतने के हिसाब से बनाई गई थी। अब शायद एक नई तरह की रणनीति बीजेपी लेकर मध्य प्रदेश में आई है और इसी कड़ी में 39 उम्मीदवारों के जो नाम की घोषणा की गई है। और सबसे बड़ी बात है इसमें कई ऐसे नाम है जिनका चाहेंगे। छत्तीसगढ़ से अरुण साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अरुण साहब, ये लिस्ट जारी कर दी गई, बहुत जल्दी लिस्ट जारी हो गई, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में लग गई है और हम पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को राज्य के अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली भूपेश बघेल की सरकार से छुटकारा दिलाना चाहते हैं और इसलिए हम मजबूती से चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने 21 प्रत्याशियों की घोषणा की है ताकि उन्हें चुनाव की तैयारी में ज्यादा समय मिल सके। हमारे सभी कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं जी, लेकिन अभी तक तो हमने देखा एक ट्रेंड ये हमेशा से रहा है कि तारीखें घोषित होती हैं, उसके बाद प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट जारी होती है और कई बार तो एन मौके पर लिस्ट आती है, लेकिन ये बहुत पहले जारी कर देने के लिए स्ट्रेटेजी क्या है? ये इसीलिए कि हमारे प्रत्याशियों को ज्यादा समय मिले चुनाव की तैयारी के लिए, जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा वो जा सके और अपनी बात जनता के बीच जाकर रख सके, जनता से आशीर्वाद ले सके। और इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि हम जल्दी प्रत्याशी घोषित करेंगे। तो आज केंद्रीय नेतृत्व ने 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है जी। साहब, ये समझना चाहेंगे, ये क्या ये सही है कि ए बी सी डी करके 4 कैटेगरी में 90 सीटें बांटी गई हैं और 27 सीटें ऐसी हैं जो टफ हैं और या थोड़े ऐसा जहां पर 2 बार से हार हो रही है, इन सीटों पर क्या ये लिस्ट उन सीटों की है? हाँ, ज्यादातर वो सीटें हैं जहां पर हम पिछले 2 चुनाव से लगातार हार रहे हैं और इसलिए हमारे प्रत्याशियों को ज्यादा समय मिले तैयारी के लिए, लोगों के बीच जाने के लिए, लोगों का आशीर्वाद ले सके हैं और इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया जल्दी प्रत्याशी घोषित करने का। तो केंद्रीय नेतृत्व ने ये आज 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक शुक्ल हमारे डिप्टी एडिटर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, अरुण साहब जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपके कुछ सवाल हो तो वो आप कर सकते हैं।
साहब जी, पाटन सीट हम देख रहे हैं, विजय बघेल जी को आप लोगों ने यहाँ से टिकट दिया है, मुख्यमंत्री के खिलाफ आपके सांसद विजय बघेल खड़े होंगे, क्या इसके जरिए आप लोग मैसेज देना चाह रहे हैं? को हरा चुके हैं और उनकी परंपरागत सीट रही है पाटन विधानसभा, और इसलिए पार्टी ने विजय बघेल जी हमारे सांसद है, हमारे अभी घोषणा पत्र अभियान समिति के संयोजक है, पार्टी ने तय किया कि पाटन से फिर से विजय बघेल को प्रत्याशी बनाया जाए। साहब जी, क्या फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये चर्चा हो रही थी कि ज्यादातर चेहरे नए होंगे, लेकिन जो लिस्ट आ रही है उसमें आप लोगों ने जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखा है और कई पुराने चेहरे भी हैं, तो क्या कोई सर्वे के आधार पर आप लोगों ने टिकट दिया है या किसी की सिफारिश पर, रेफरेंस पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन की अपनी एक सुव्यवस्थित सिस्टम है, पार्टी ने सर्वे भी किया है, नीचे स्तर तक हमारे पदाधिकारियों से भी बातचीत करके, प्रमुख पदाधिकारियों से बातचीत करके ये प्रत्याशियों का नाम तय किया है। क्या ये भी खतरा होगा, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार रहे होंगे, ऐसे में इतने पहले से नाम जारी करने से आप लोग जहां बता रहे हैं कि तैयारी का समय मिलेगा, लेकिन एक बगावत का भी यहां पर खतरा होता है, उससे निपटने के लिए भी क्या कोई तैयारी, क्योंकि बहुत से प्रत्याशी होंगे जो इस जगह से इन्होंने नाम दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक आधार छत्तीसगढ़ में मजबूत है, और इसलिए बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, पर टिकट तो एक ही को मिलेगा, और निश्चित रूप से पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव के मैदान में जिताने का अभियान में लगेंगे। प्रत्याशी तो एक प्रतीक होता है, वास्तविकता ये है कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल निशान के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, हमारे वैसे ही सभी कार्यकर्ता कमल के निशान के लिए काम करेंगे, सब लोग मिलकर काम करेंगे। चुनाव के समय सबकी इच्छा रहती है टिकट मांगने की, सब टिकट मांगते हैं, पर जब प्रत्याशी घोषित होने के बाद सब लोग मिलजुल कर पार्थिव प्रत्याशी के पक्ष में काम करते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है हमारे साहब कार्यकर्ता जो भी प्रत्याशी घोषित होगा उसके लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। साहब साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, इस लिस्ट को देख कर क्या इसमें परिवारवाद जैसी छाप तो नजर नहीं आता? तो नहीं, बिल्कुल मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, एक सवाल साहब जी से और करना चाहूंगा। साहब जी, जैसा कि चर्चा थी, सांसदों को विधानसभा लड़ाया जा सकता है, विजय बघेल और रामविचार नेताम को टिकट आप लोगों ने दिया है, क्या आप भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो प्रदेश अध्यक्ष के होने के नाते पार्टी की जिम्मेदारी देख रहा हूँ, और पार्टी जो आदेश करेगी वो होगा। अभी सभी 90 विधानसभाओं में पार्टी जीते, पार्टी मजबूती से काम करे, इस काम में लगा हूँ। बड़े चेहरे भी यहाँ पर हैं और इनमें से कई हो सकते हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, दो बड़े नाम मैं देख रहा हूँ जो विजय बघेल और रामविचार नेताम का, और भी कई बड़े नाम होंगे, क्या चेहरा भी कोई डिक्लेयर किया जाएगा या आप लोग बिना चेहरे के जा रहे हैं मैदान? देखिए, ये पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि आगे किस प्रकार से चुनाव के मैदान में जाना है, लेकिन हमारा एक एक कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में राज्य की भूपेश बघेल की अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और वादा खिलाफी करने वाली सरकार से छत्तीसगढ़ को, जनता को मुक्ति दिलाने के लिए पूरी ताकत से जुटा हुआ है, और एक एक कार्यकर्ता इस अभियान और इस काम में लगा हुआ है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। मैं आपके सवाल का जवाब देख रहा हूँ, और एक चर्चा जो बार बार हो रही थी कि पूरे प्रत्याशी नए होंगे, नए चेहरे को दिया जाएगा, पर अगर कोई हारता है तो उसको टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन जो लिस्ट देखने पे समझ आ रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को भाजपा ने उस पर दांव लगाया है, चाहे कोरबा से दखनलाल देवांगन की बात कर लें, या फिर रामविचार नेताम की बात कर लें, या फिर हम खुद विजय बघेल की बात कर लें जो कि हार भी चुके हैं, तो कुल मिलाकर जो प्रत्याशी जीत सकता था उस पर यहाँ पर भाजपा ने दांव लगाया है, और कई जातिगत समीकरण को भी ध्यान यहाँ पर रखा गया है, चंद्राकर और साहू कैंडिडेट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मैं आपसे तो कुछ नाम है। ठीक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि उम्मीद से पहले जिस तरह से लिस्ट अभी जारी कर दी गई है,
कई ऐसे भी नाम होंगे जो नाम इसमें शामिल नहीं है, क्या हम माने आने वाले समय में हमें नाराजगी भी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से ये लिस्ट जारी हुई है इनमें कई ऐसे नाम देखने को मिल रहे हैं जिनकी दावेदारी बहुत लंबे समय से थी, अब इस बार उनको मौका दिया गया है। जैसे अगर हम आपसे बात करें भोपाल की, जो सीटों की बात करते हैं राजधानी भोपाल की, तो आलोक शर्मा और ध्रुव नारायण सिंह ये दो ऐसे नाम हैं जिनका लंबे समय से इन मजबूत सीटों पे नाम चल रहा था। और खास बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों सीटों पर जो सामाजिक समीकरण है वो बहुत अहम हो जाते जीतने के जीत और हार के लिहाज से। तो आप ये कह सकते हैं कि जीतने वाले उम्मीदवारों पर दाव लगाने के लिए बीजेपी ने काफ़ी पहले ये फैसला लिया है। 39 सीटों का जो अंतर होता है, अगर आप 39 सीटों की बात करते हैं तो 39 सीटें कम नहीं होती है, 230 सीटों में से 39 सीटें, यानी कि जो बहुमत के लिए आंकड़ा जो चाहिए होता है 116 सीटों का, उसमें से अगर आप इस 39 सीटों की बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और रणनीतिक लिहाज से आप देखते हैं तो बीजेपी इसमें काफ़ी आगे नजर आ रही है। हालांकि बीच में ये खबर भी आई थी कांग्रेस भी चुनाव के पहले ही 100 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, हालांकि उसको लेकर अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन जैसा कि आपका कहना था कि कुछ ऐसे नाम हैं जो आपका सवाल था कि विरोध के स्वर उभर सकते हैं, लेकिन इन सीट की जो आप लिस्ट अगर देखते हैं तो किन में कुछ नाम ऐसे भी है जिनकी उम्मीद थी कि ऐसा हो सकता था कि वो जिन सीटों पर लड़ना चाहते थे उनको उन सीटों से नहीं दी गई ये सीट। जैसे सोनकच का एक नाम है, राजेश सोनकर है, जो पहले सावेर से विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक भी है, इस समय वहाँ पर उनको ग्रामीण जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। उनको देवास से टिकट दी गई है, देवास के सोनकच से टिकट दी गई है, जहाँ पर कांग्रेस से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा लड़ते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि खास तौर पर जो जातिगत समीकरण की बात, जैसे कि अभिषेक ने कही अभी कि छत्तीसगढ़ में भी जातिगत समीकरणों को साधने का जो प्रयास किया गया है, वही प्रयास मध्य प्रदेश की इन सीटों पर भी दिख रहा है। खासतौर से इसमें जो महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं उन सीटों में कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत मेहनत करने की शायद ज़रूरत महसूस हुई होगी, उसी लिहाज से इन सीटों का ऐलान पहले ही कर दिया गया है। जी वाकई देखिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सुधीर जी, हम ये जिस तरह से देखें कि लंबे वक्त से उम्मीदवारी जिनके द्वारा ठोकी जा रही थी और उन्हें चांस नहीं मिल रहा था कहीं ना कहीं, तो इसका फायदा भी अब आने वाले समय में बीजेपी को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए जिस तरह का फायदा बीजेपी को मिलेगा, जिस तरह से उम्मीदवारों को घोषणा की गई है, मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में चुनाव के जो 7 प्रभारी बनाए गए हैं, सारे दिग्गज नेता हैं, सारे अपने दम पर कई बार चुनाव जिता चुके हैं। अगर हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करते हैं तो 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए प्रदेश में भाजपा को उन्होंने जीत दिलाई थी, एक बार फिर वो सक्रिय भूमिका में है। कैलाश विजयवर्गीय की हम बात करते हैं, वो सक्रिय भूमिका में है। इसके अलावा 2 केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की हम बात करते हैं, उनको प्रदेश प्रभारी और सहप्रभारी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं सारी सीटों पर जो गणना की गई है, सारी सीटों का जो फीडबैक इनको मिला, जमीनी हकीकत मिली है, उसी आधार पर मुझे लगता है कि इन सीटों का ऐलान किया गया है। इनमें ऐसे कई नाम, अगर हम राऊ सीट की बात करते हैं, इंदौर जिले में राऊ सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। कांग्रेस से पूर्व मंत्री जीतू पटवारी वहाँ से विधायक है और काफ़ी जातिगत समीकरण के हिसाब से भी ये सीट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में मधु वर्मा को वहाँ से टिकट मिलना काफ़ी कहीं ना कुछ इशारे करता है। निश्चित तौर पर मधु वर्मा की वहाँ पर जो जातिगत समीकरण होते उसके हिसाब से मधु वर्मा की पैठ काफ़ी वहाँ पर मानी जाती है। तो ऐसे में कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, किस तरह से जीतू पटवारी वहाँ से अगर चुनाव लड़ते तो उनकी क्या रणनीति होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। इसी तरह कई ऐसे चेहरे इसमें, ऐजल सिंह कंसाना जो है पूर्व मंत्री है, उनको जो टिकट मिली है, और लाल सिंह आर्य है, ये भिंड जिले से, जो मुरैना और भिंड का जो सुमावली और गोहद जो इलाके पड़ते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। खास तौर से इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति की बात अगर हम करते हैं तो ग्वालियर चंबल का जो इलाका है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में सत्ता के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और ये चुनावी साल है 2023 का जो चुनाव है वो ग्वालियर चंबल के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सारे ताकतवर नेता, सारे दिग्गज नेता उसी इलाके से आते हैं। और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि भिंड चंबल जो है वो प्रदेश की राजनीति भी तय करता है। तो निश्चित तौर पर उसका असर इस लिस्ट के बाद और देखने मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो गई है कि जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है उन्हें चुनाव की तैयारी के लिए पर्याप्त वक्त मिलेगा। और खासतौर से कार्यकर्ता जो होते हैं, बीजेपी के हो या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, उनको किस दिशा में काम करना, किस रणनीति के साथ काम करना है, ये तय करना उनके लिए आसान हो जाएगा।
बिल्कुल ये तय करना आसान हो जाएगा। एक चीज और समझना चाह रहे हैं आपसे, ये 39 सीटें जो हैं ये तो टफ सीटें बीजेपी के लिए थी, समय देने के लिए पहले से तैयारी कर पाए, इसीलिए टफ प्रत्याशी भी मैदान में उतारने की कोशिश की गई है, बहुत समीकरण साधे गए। लेकिन इसके अलावा 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में और एक बड़ी लिस्ट आना अभी बाकी है। क्या हम ये माने कि बहुत जल्दी लिस्ट जारी होगी या फिर इसमें समय लगने वाला है, क्योंकि यहां पर वो एक अनार सौ बीमार वाली स्थिति हो सकती है, कई सारे दावेदार हैं एक एक सीट के लिए और बड़ी बड़ी सीटें हैं। बिल्कुल पुनीत, आपने बहुत सही बात कही है। निश्चित तौर पर अभी 191 सीट जो है उन पर उम्मीदवारी की घोषणा होनी बाकी है और 191 सीटों में खास तौर पर ऐसी मजबूत सीटें होंगी जहां पर नेक टू नेक यानी कि कांटे की टक्कर भी होगी। हो सकता है कि दोनों पार्टियां इस बात का इंतजार कर रही हो कि पहले कोई उम्मीदवार घोषित कर दे और उनके उम्मीदवार को देखकर बाद में उस रणनीति के हिसाब से अपना उम्मीदवार घोषित किया जाए, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर अलग अलग पार्टियों का वर्चस्व है। कुछ सीटों पर बीजेपी का वर्चस्व है, कई सीटों पर कांग्रेस का वर्चस्व है। हाल ही में ऐसी 60 सीटों की पहचान कांग्रेस ने की थी जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने दौरे पूरे कर चुके हैं और उन सीटों पर यह कहीं ना कहीं जीत का दम भर रहा है जहां पर अपने उम्मीदवार को ये तय करेंगे या तय कर चुके होंगे, लेकिन अभी घोषणा नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं अब इसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का अगला कदम क्या होता, खासतौर पर जिन सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बाकी जो 181 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है वहां पर मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियां वेट एंड वॉच की रणनीति अपना सकती है ताकि वहां पर उम्मीदवार आने के बाद यह तय किया जा सके कि किस उम्मीदवार सामने हम किसको दे। निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों के पास 1, 2, 3 या जो उनका इंटरनल सर्वे होता है उसके हिसाब से 3 से लेकर 5 तक के नाम सामने आए हैं, उनमें से जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा शायद पार्टियां उन्हीं पर दाव लगाना चाहेगी। बिल्कुल, और ये तो ये लिस्ट तो ये बता रही है कि जैसा छत्तीसगढ़ में ए बी सी डी कैटेगरी बांटी गई वैसे ही ये मध्य प्रदेश में भी ए बी सी डी कैटेगरी बांटी गई और इसीलिए शायद ये जो सी और डी कैटेगरी वाली लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है। कांग्रेस क्या करने वाली है इसके बाद, क्या कांग्रेस पर कोई मनोवैज्ञानिक असर पड़ने वाला है इस लिस्ट के जारी होने के बाद? कितना असर और क्या असर पड़ सकता है? क्या कांग्रेस की तरफ से भी कोई लिस्ट जारी हो सकती है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से आप देखेंगे कि क्रिकेट में जब कोई टीम पहले बल्लेबाजी करती है और पहाड़ जैसा स्कोर अगर बना लेती है तो बाद में बल्लेबाजी वाली करने की टीम पर निश्चित तौर पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है कि यार इतना बड़ा पहाड़ सा स्कोर है, इसको पार करने के लिए हमें क्या रणनीति बनानी है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने मनोवैज्ञानिक बढ़त तो हासिल कर ली है कांग्रेस पर 39 सीटों पर। तो अब इस 39 सीटों को देखते हुए कांग्रेस की भी 20 तारीख को एक अहम बैठक होने वाली है, बैठकों का मैराथन दौर चलना है जहां पर कांग्रेस के सभी बड़े नेता और दिल्ली के राष्ट्रीय नेता भी शामिल होंगे। तो उम्मीद की जा सकती है कि अगले एक हफ्ते में कांग्रेस निश्चित तौर पर कुछ न कुछ अपनी रणनीति में ला सकती है या कैसे कांग्रेस आगे बढ़ेगी या कुछ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। तो निश्चित तौर पर यह उम्मीद की जानी चाहिए कि अब बीजेपी के इस कदम के बाद कांग्रेस के लिए यह मजबूरी बन जाती है या यह जरूरी हो जाता है कि वो भी अपनी रणनीति तेज करे। हो सकता है कि कांग्रेस पहले से जो बात करते आ रहे थे कि 100 टिकटों पर पहले घोषणा कर सकती है, तो अगले एक हफ्ते में उस दिशा में कुछ डेवलपमेंट का पता चल सकता है। इस लिस्ट को हम देख रहे हैं, आदिवासी सीटों पर कुछ ज्यादा बीजेपी ने फोकस किया है, टफ उसे अब भी मान रही है, हालांकि कई सारे काम बहुत सारी चीज़ें बीजेपी गिनाती भी आ रही है, चाहे वो भोपाल के स्टेशन की बात हो या फिर तमाम चीज़ें जो बीजेपी की तरफ से कवायद की जा रही है आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए। एक लिस्ट की अगर बात कर ली जाए तो ये भैंसदेही, अलीराजपुर, झाबुआ, पेटलावत, कुक्षी, धर्मपुरी, ये 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 सारी सीटें जो हैं इनको बीजेपी कहीं ना कहीं टफ भी मान रही है और इसीलिए नामों की घोषणा कर दी गई। भानु भूरिया झाबुआ से, पेटलावत से निर्मला भूरिया को टिकट दिया गया। बिल्कुल देखेंगे आप, अगर इस लिस्ट पे आप नजर डालेंगे तो जो आपने आदिवासी की बात कही है तो इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासियों का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछले लंबे समय से दोनों ही पार्टियां, हम सिर्फ आदिवासियों की बात न भी करें तो समाज के अलग अलग तबकों को लुभाने के लिए किसी न किसी तरह के आयोजन कर रही हैं और हर पार्टी का ये प्रयास है कि अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, नेताओं के जरिए हर समाज तक, हर वर्ग तक पहुंचा जा सके। जहाँ तक सीट की अगर आप बात कर रहे हो तो इसमें ज़्यादातर रिजर्व सीटें देख रहे हैं और एक और महत्वपूर्ण बात है कि इनमें जो महत्वपूर्ण सीटों का आपने जो जिक्र किया है, अगर हम राव की बात करें, तराना की, घटिया की, धर्मपुरी या कुक्षी पेटलावत की बात करें, ये वे सीटें हैं जहाँ पर इस समय कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। तो निश्चित तौर पर किसी न किसी रणनीति के तहत इन सीटों की घोषणा की गई और उम्मीदवारों की घोषणा की गई है और उम्मीदवारों का अपना
पार्टी की अगर हम बात भी करें पुनीत, एक बात और महत्वपूर्ण है इस चुनाव के लिहाज से कि जिन लोगों की घोषणा की गई है वो लोग अपने आप में एक व्यक्ति के तौर पर, एक नेता के तौर पर अपने इलाके में कहीं ना कहीं अच्छी तगड़ी पैठ रखते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को चुनना भी बीजेपी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल, बड़ी रणनीति का हिस्सा। जी, ठीक ठीक ठीक। युगल भी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। युगल, लिस्ट जारी कर दी गई है उम्मीदवारों की, आखिर किस तरह से देखें इस पूरी लिस्ट को? देखिए, पूरी जो बीजेपी की लिस्ट है हमारे पास मौजूद है और सबसे बड़ी बात यही है कि अब तक बीजेपी इन सीटों से हारती आई है। एक डी कैटेगरी का जो बनाया गया है वो है, अगर हम पाटन की बात करें, पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव जीते हैं और इस भाजपा को वहां पर शिकस्त मिली थी, तो वहां पर अब विजय बघेल को उनके प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े किया गया है। मतलब यही है कि छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उन्हें घेरने का पूरी तरह से प्रयास है, रणनीति है वो बीजेपी ने बना रखी थी और उसी रणनीति के तहत। तो आप देख सकते हैं कि पाटन से विजय बघेल को मैदान पर उतारा गया है, क्योंकि इससे पहले भी एक बार जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं उसे विजय बघेल ने पाटन से हरा चुके हैं। अगर हम दूसरे बड़े नाम की बात करें तो यहाँ पर राम विचार नेता आते हैं जो रामानुजगंज क्षेत्र से हैं और वहाँ विधानसभा क्षेत्र से हैं और वहाँ जो है राम विचार नेताम की भी हार हुई है। और इसी तरह अगर हम बात करें खरसिया के विधानसभा सीट है, तो वहाँ पर जैसे खरसिया का विधानसभा है उसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, इससे पहले नंद कुमार पटेल वहाँ लगातार जीते आए हैं और उनके पुत्र हैं वो लगातार जीत रहे हैं, तो वहाँ से जो खरसिया से इस बार महेश साहू को टिकट दिया गया है। ये तमाम ऐसी जो सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी लगातार ये प्रयास कर रही है कि इनसे, जब पहले प्रत्याशियों के उम्मीदवारों की सूची अगर जारी कर दी गई है तो ये प्रत्याशियों को एक लंबा समय मिलेगा, आम जनता तक जा सकेंगे। और जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि जो है धरातल पर वो काफ़ी हद तक जो अच्छे काम कर चुके हैं, तो ये लिस्ट है, ये सूची है, दर्शा रहा है कि बीजेपी जो है एक कदम आगे बढ़ के अभी तक के जो प्रत्याशियों की सूची है वो जारी कर दी है। अगर हम अबनपुर की बात करें तो इंद्र कुमार साहू है, उसे टिकट दिया गया है। कोरबा की अगर बात करें तो लगनलाल देवांगन है, ये मेयर रह चुके हैं, तो ये एक सदी हुई रणनीति के तहत यहाँ पर जो लखनलाल देवांगन है उन्हें टिकट दिया गया है। और यहाँ पर राजस्व मंत्री हैं जो जय सिंह अग्रवाल, उनके खिलाफ जो है ये टिकट अभी फिलहाल दिया गया है और वो मौजूदा में भी विधायक हैं, राजस्व मंत्री हैं। तो ये कहा जा सकता है ये पूरी सूची बीजेपी के एक सदी हुई रणनीति के तहत ये जारी किया गया है। और ऐसे ये सीट है जहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो हारते आए हैं। अगर हम धर्मजयगढ़ की बात करें तो धर्मजयगढ़ में लालजी सिंह राठिया हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, तो उनके स्थान पर हरिश्चंद्र राठिया है, उन्हें टिकट दिया गया है। ये पूर्व मंत्री के पुत्र हैं, धर्म जो लालजी सिंह राठिया चुनाव जीते हैं। तो ये ऐसी तमाम सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी, तो उन सीटों पर अब बीजेपी जीत दर्ज करना चाहती है। यही वजह है कि पहले से जब सूची जारी कर दिया गया है प्रत्याशियों के, उम्मीदवारों के, तो प्रत्याशियों को अधिक समय मिलेगा, वो जा सकेंगे। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस अब इन सीटों के लिए कब तक है जो अपने उम्मीदवारों की सूची है, लिस्ट है, वो जारी कर सकती है। जी बिल्कुल, कब तक कांग्रेस लिस्ट जारी करती है? और कहीं ना कहीं ये जो जिन सीटों का ये जिक्र किया गया है, दो तीन इसमें पॉलिसी हो सकती है, बीजेपी की रणनीति हो सकती है। सुधीर जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही लिस्ट को मैं समझना चाहूँगा आपसे, कि ये ऐसा है कि एक पाले में घेर देना, एक ही सीट पर फोकस अब बढ़ जाएगा कांग्रेस का, क्योंकि लिस्ट पहले जारी हो गई है, कांग्रेस उन सीटों पर काम करना शुरू करेगी और कहीं ना कहीं दूसरी सीटों पर फोकस शायद कम हो जाए, या ये स्ट्रैटेजी हो बीजेपी की तरफ से? देखिए, बीजेपी की ये रणनीति जो थी उसमें टिकट की घोषणा करके तो मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है, अब नजर कांग्रेस के कदम पर रखना ज्यादा जरूरी है कि कांग्रेस का अगली रणनीति क्या होगी, कांग्रेस का अगला स्टेप क्या होगा। जैसे आपने अगर दोनों प्रदेशों की आपने बात की, जो सीटों की घोषणा की गई है उनको अगर आप बारीकी से उसको देखेंगे तो आपको ये अंदाजा लगेगा
कि इसमें क्षेत्रीय समीकरण को साधने की भी कोशिश की गई है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बात कही थी कि इसमें रिजर्व सीटों का भी जिक्र किया गया, रिजर्व सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। क्षेत्रवार अगर आप इसको देखेंगे तो अलग अलग इलाकों के नेताओं को साधने की कोशिश आप कह सकते हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश की आपको बात करूंगा तो आपको बताना चाहूंगा कि इसमें बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व है, इसके बाद इनमें विंध्य का प्रतिनिधित्व आपको दिख रहा है, मालवा इलाकों को काफी तवज्जो दी गई है, इसके बाद जो मध्य क्षेत्र कहलाता है खासतौर से भोपाल और उसके आसपास का इलाका, भोपाल की जिन दो सीटों पर घोषणा की गई है वो दो सीटें खासतौर पर सामाजिक समीकरण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक सीट पर आरिफ अकील कांग्रेस से पूर्व बहुत सीनियर लीडर है, कांग्रेस से वहां पर विधायक है, और एक सीट पर आरिफ मसूद जो मध्य सीट है जहां पर सामाजिक समीकरण काफी मायने रखता है। तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का जो समीकरण है उसको साधने की इसको कोशिश भी हम कह सकते हैं। तो अब अगर कांग्रेस के सामने चुनौती ये रहेगी कि इन इलाकों के हिसाब से जो उम्मीदवारी की घोषणा की गई है उन इलाकों में कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। जैसे हम आपको अगर दो तीन सीटों की अगर हम बात कहते हैं, सुमावली की हम बात कहते हैं, गोहद की अगर हम बात करें या पिछोर की हम बात करें, इन पर जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं वो बहुत दिग्गज नेता है। ऐदल सिंह कंसाना पहले मंत्री थे, जब सिंधिया बीजेपी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए उसी वक्त ये भी बीजेपी में शामिल हुए थे। ऐसे ही लाल सिंह आर्य है, पूर्व मंत्री रहे हैं, अभी भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। तो लाल सिंह आर्य को गोहद से घोषित किया गया, पिछोर से प्रीतम लोधी, प्रीतम लोधी एक बड़ा नाम है खासतौर से उस सीट की हम बात करें तो जातिगत समीकरण जो होता है उसको साधने के लिहाज से प्रीतम लोधी की टिकट की घोषणा करना भी एक रणनीतिक कारगर कदम बीजेपी का हो सकता है। इसी तरीके से अगर क्षेत्रवार बात करते हैं हम लोग तो पेटलावद जो इलाका खासतौर से हम झाबुआ अलीराजपुर और पेटलावद की बात करते हैं तो झाबुआ जिले से ही पेटलावद और झाबुआ जिले में ही अलीराजपुर जो है नया जिला बना था तो वहां पर निर्मला भूरिया को लाना कहने के इनका मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है क्योंकि इन सीटों पर अभी जो उम्मीदवार है वो कांग्रेस के विधायक है और निश्चित तौर पर जो सीटें बीजेपी ने अपने लिए कमजोर मानी थी उन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करके मानसिक बढ़त और मनोवैज्ञानिक बढ़त तो बीजेपी ने हासिल की ही है। ठीक है, राऊ की बात कर ले और छतरपुर की बात कर ले, ललिता यादव मंत्री रह चुकी हैं, उनको पहले टिकट दे दिया। राऊ में मधु वर्मा हालांकि वहां से पहले भी मधु वर्मा तो मेयर भी रह चुके हैं इंदौर के, तो ये उनको पहले से काम करने के लिए जमीन मजबूत, जीतू पटवारी भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, तो दोनों की टक्कर यहाँ पर कड़ी होने वाली है, या छतरपुर की ललिता यादव को टिकट दिया गया, कैसे देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल दोनों सीटों की अगर हम बात करेंगे तो छतरपुर की सीट जो है उसमें ललिता यादव का टिकट जो मिला है वो अपेक्षा के अनुरूप मिला है। वहाँ कहीं ना कहीं हमारे सूत्र ये बता रहे थे कि वहाँ पर से ललिता यादव को टिकट मिलेगा चूँकि एक राजनीति का बड़ा चेहरा भी है, बीजेपी का बड़ा चेहरा कहलाती है। लेकिन राऊ सीट की जो आपने बात की, राऊ सीट पर जरूर मधु वर्मा का नाम जो चौंकाने वाला है, हालांकि कहीं ना कहीं मधु वर्मा को शायद पार्टी से संकेत मिल गए थे और इसीलिए शायद उनकी तैयारियां राऊ सीट पर तेज थी क्योंकि वहां पर तेज तर्रार नेता है, जीतू पटवारी पूर्व मंत्री है, अच्छा दबदबा है राऊ सीट पर, तो जीतू पटवारी को टक्कर देने के लिए मधु वर्मा का आना कहने के बीजेपी की रणनीति का बड़ा हिस्सा लग सकता है क्योंकि राऊ सीट पर भी कहने के जातिगत समीकरण जो होते हैं काफी मायने रखते हैं। आपने पहले भी देखा होगा कि पहले के चुनावों में जीतू पटवारी और उनके सामने जीतू जिराती जो है वो चुनाव लड़ते थे और एक बार में जीतू पटवारी और एक बार में जीतू जिराती चुनाव जीते थे और उसके बाद फिर जीतू पटवारी जीते हैं। तो ऐसे में अब राऊ सीट इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है कि वहां पर जातिगत समीकरण किस तरफ जाएगा और मधु वर्मा को जो सपोर्ट मिलना है, चूंकि इंदौर देश की आर्थिक नगरी है, आर्थिक राजधानी कहलाती है और इंदौर की राजनीति से मालवा की राजनीति काफी प्रभावित होती है, ऐसे में राऊ सीट पर टिकट घोषित करके बीजेपी ने मानसिक बढ़त हासिल की है। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। जबलपुर की बात करेंगे, दो सीटें बरगी और जबलपुर पूर्व, इसकी हम बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ युगल लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, कुछ नाम जैसे अलका चंद्राकर, ये एक नाम है, इसके अलावा आशाराम नेताम कांकेर से ये टिकट दिया गया है, ये थोड़ा सा बताइए कि क्या परिवारवाद जैसी चीजें हैं इसमें, क्या कांकेर से जैसे आशाराम नेताम, राम विचार नेताम से क्या इनका कोई संबंध है, या फिर अलका चंद्राकर खल्लारी से इनको टिकट दिया गया?
जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी जिन सीटों के लिए अभी नामों की घोषणा की है, अगर हम बात करें, मैं उन सीटों को एक बार दोहरा देना चाहता हूं कि कोरबा से लखन लाल देवांगन को जो टिकट दिया गया है, पूर्व मेयर भी रह चुके हैं और इनकी अच्छी पैड भी बताई जा रही है। मरवाही से प्रवण कुमार जो मरपच्ची है, इन्हें जो है प्रत्याशी बनाया गया है। सरायपाली से ये आजाजा सीट है पुनीत, तो इसमें श्रीमती सरला कोशरिया है, उन्हें दिया गया है। खल्लारी से अलका चंद्राकर को दिया गया है, ये चूंकि कलाकार परिवार से जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह से अभनपुर से इंद्र कुमार साहू है, उन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और राजिम से रोहित कुमार साहू है। अगर हम इसी तरह की बात करें, कांकेर से जिस तरह से आसाराम नेताम को जो टिकट दिया गया है, उस पर भरोसा जताया गया है। अधिकांश जो उम्मीदवार अभी फिलहाल दिख रहे हैं, दो तीन बड़े ऐसे नाम है, फिर बाकी फ्रेश कैंडिडेट है कई तरह से। तो बीजेपी सदी हुई रणनीति के तहत जिस तरह से सूची जारी कर दी, और छत्तीसगढ़ में ये भी कहा जा सकता है कि बिल्कुल कांग्रेस के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो पड़ेगा, क्योंकि घर में घेरने की कोशिश वक्त ऐसे जाता घर में घेरने की कोशिश एक प्रकार से, क्योंकि ये सीटें जो हैं, ये फिर हम बता रहे हैं, ये सीटें जिनकी लिस्ट जारी हुई है, यहाँ पर कांग्रेस जीत रही है और बीजेपी इसी को लेकर रणनीति ये बना रही है कि जो सीटें बीजेपी के हाथ से निकल रही हैं या जो बीजेपी के लिए टफ हैं, वहां पर पहले कैंडिडेट्स उतार दिए जाएं, वो अपनी तैयारी कर सकें, और कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक बढ़त भी यहां बीजेपी ले रही है कांग्रेस के सामने, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में। ऋतु युगल, हमने इस बार जिस तरह से देखे, आपने लिस्ट जारी हुई है, तो ज्यादा हम तरजीह की बात करें तो तरजीह जातियों पर ज्यादा दी जा रही है, खास बात ये एक है। और दूसरी बात ये है कि कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ए बी सी डी, तो कहीं ना कहीं इसका खासा असर भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि फोकस बहुत ज्यादा रहेगा। ये बिल्कुल, देखिए चुनाव में जातिगत समीकरण को साधारण नितांत आवश्यक होता है, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ की जो परिदृश्य है, छत्तीसगढ़ की जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग यहाँ पर बहुतायत है, उसके बाद ओबीसी जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, फिर ओबीसी वर्ग है वो आता है, गिनती के जो है सामान्य सीटें हालांकि हैं, लेकिन ये पूरा अगर हम देखें, अभी जो सूची जारी की गई है वो पूरी तरह से बैलेंस लग रहा है, और जातिगत समीकरण को विशेष तौर पर ख्याल रखा गया है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें, दो महीने के भीतर अमित शाह है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, और एक जो है उन्हें चाणक्य कहा जाता है, लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, और जिस तरह से अभी सूची जारी की गई है, तो ये बीजेपी भली भांति समझ रही है कि अगर कांग्रेस को यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मात देनी है तो नए उम्मीदवार नए चेहरे हैं उस पर भी भरोसा करना होगा। और वैसे भी जैसे बीजेपी के अंदर खाने से लगातार ये खबरें आ रही हैं, सूत्र भी बता रहे हैं कि कम से कम 55 जो सीट है उस पर फ्रेश उम्मीदवार रहेंगे। अगर छत्तीसगढ़ में जातिगत समीकरण को नहीं साधा जाएगा तो जीत का जो चुनावी ऊंट है वो किसी भी करवट ले सकता है, बदल सकता है। तो ये अहम सुधीर जी के पास चलते, पिछोर से प्रीतम लोधी को टिकट मिल गया। सुधीर जी बड़े विवाद में आए थे, बीजेपी से बाहर हुए, फिर बाद में एंट्री भी हुई, और उसके बाद टिकट मिल जाना और टिकट पहली लिस्ट में मिल जाना, ये क्या बता रहा है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर पिछोर सीट की अगर हम बात करते हैं तो पिछोर सीट राजनीति के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, और यहाँ से केपी सिंह पिछले 30 सालों से यहाँ से लगातार चुनते जा रहे हैं, और पिछले 6 चुनाव की अगर बात करें तो लगातार जीत जो की है केपी सिंह ने, और बीजेपी कड़ी मशक्कत के बाद भी यहाँ पर जीत नहीं हासिल कर पाई है। खासतौर से अगर हम देखेंगे तो केपी सिंह ने जनता दल से लेकर बीजेपी के और भारतीय जनशक्ति पार्टी से लेकर निर्दलीय उम्मीदवार को हराया। आपने प्रीतम लोधी की बात की है, तो प्रीतम लोधी को केपी सिंह ने 2013 में 7113 वोटों से हराया था, उसके बाद 2018 में केपी सिंह ने एक बार फिर प्रीतम लोधी को 2675 सीटों से शिकस्त दी। तो ऐसे में आप लगातार तीसरी बार प्रीतम लोधी पिछोर सीट पर मौजूद रहेंगे, और इसके बाद फिर देखना होगा कि केपी सिंह इस बार किस तरीके से इस पर अपना प्रदर्शन कर पाते, क्योंकि लगातार 6 बार से विधायक है, और इस तरह के 6 बार के विधायक को हराना अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती होगी। खुद वो प्रीतम सिंह लोधी को 2 बार हरा चुके हैं, तो ऐसे में पिछोर सीट भी इस बार कहीं ना कहीं हॉट सीट में शामिल होगी। जी बिल्कुल, हॉट सीट में शामिल हो सकती है, लेकिन साफ स्वच्छ छवि बेहद जरूरी है। लेकिन प्रीतम लोधी क्या इस बीजेपी के क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं,
क्योंकि बीते दिनों जो विवादों से उनका नाता था उसके बाद पार्टी से बाहर हुए, फिर वापस एंट्री हुई, मुख्यमंत्री ने एंट्री करवाई और अब पहली लिस्ट में टिकट। देखिए बहुत सही समय पर आपने ये सवाल किया प्रीतम लोधी को लेकर। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया मौजूद है इस वक्त न्यूज रूम में। उनसे हम जानते हैं कि प्रीतम लोधी का जो मामला था वो किस तरीके से हुआ। राजपाल जी, प्रीतम लोधी को घोषित किया उम्मीदवार के तौर पर, क्या प्रदर्शन रहेगा और क्या किस आधार पर प्रीतम लोधी को एक बार फिर अवसर दिया गया? देखिए प्रीतम लोधी भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और उस क्षेत्र में टक्कर लेने वाले कार्यकर्ता है जो चुनाव में वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनका चयन जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किया है और चयन जो हुआ है वह निश्चित तौर पर उनके पिछले पूरा परफॉर्मेंस देख के और वर्तमान में कई तरह के सर्वे इत्यादि कराने के बाद में हुआ है। ये जो पिछोर सीट है ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस लगातार वहाँ से जीतती आई है, इस बार हम पिछोर सीट जीतेंगे। ऐसी कई सीटें हैं, 39 सीटों पर घोषणा की गई है, कुछ विशेष रणनीति है इसके तहत? ये आकांक्षी विधानसभाएं हैं जिनको हम पिछली बार 2018 चुनाव में हारे थे। हमारी वे सीटें जो आकांक्षी है, जहां पर हम जीतने की उम्मीद से ये उम्मीदवार हमने जिताने के लिए प्रस्तुत करने का काम किया, एक रणनीति है। और रणनीति यह है कि पर्याप्त समय मिले हमारे कैंडिडेट को, पर्याप्त समय मिले पार्टी को वहाँ पर जाकर काम करने का। और हम इस लिस्ट को डिक्लेयर करके हम यह बताने में भी साबित हुए हैं, ये सिद्ध करने में हम कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियां कांग्रेस से कई गुना आगे चल रही है। कांग्रेस यहां पर बहुत पिछड़ती हुई थी, बीजेपी तो वैसे भी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। ठीक है, ध्रुव नारायण सिंह साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, भोपाल मध्य से टिकट भी पा चुके हैं। ध्रुव नारायण सिंह साहब, पहले तो आपको बधाई, सबसे पहले लिस्ट आई और सबसे पहले आपका भी नाम आ गया, लेकिन फाइट तो टफ रहने वाली है क्योंकि हमारे साथ शोर कम करेंगे कृपया जी बताइए जी। ध्रुव नारायण सिंह जी आपको बहुत बधाई, पहली लिस्ट आई और आपको टिकट भी मिल गया, फाइट कितनी टफ रहने वाली है और कितना काम अभी करना बाकी है सीट के लिए? देखिए समय हमको बहुत मिला है काम करने का, इसलिए काम की तो कोई बहुत ज्यादा हमें वो नहीं है, वी विल प्लान अवर इलेक्शन, लेकिन ये है कि हारी हुई सीट है पार्टी की, तो इसको जीतना एक चैलेंज है, तो उस चैलेंज हमने स्वीकार किया अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और मोदी जी का नाम, शिवराज जी का काम, ये सब लेके हम जाएंगे तो हम अवश्य ही सफलता हासिल करेंगे। आप सफलता की बात कर रहे हैं, भोपाल उत्तर से भी आप ही के साथ ही आलोक शर्मा को भी प्रत्याशी बना दिया गया, दो ही नाम हुए भोपाल से, एक भोपाल उत्तर एक भोपाल मध्य। भोपाल में फाइट टफ मान रहे हैं आप? देखिए ऐसा है कि यहाँ का जो जिस तरीके का एक कॉन्स्टिट्यूशन है असेंबली का, जिस तरीके से बनी है, तो इसमें फाइट तो रहती है, लेकिन हमारा एज है और हम जीतेंगे जी। चलिए बहुत शुक्रिया। हर चुनाव संघर्ष होता है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सुधीर जी। जी सुधीर जी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जो 39 सीटों की घोषणा की गई है वो काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाती है, जैसा कि राजपाल जी ने अभी बताया कि ये हमारी आकांक्षी सीटें हैं जहां पर हमें उम्मीद है कि अगर हमारे उम्मीदवार यहां पर हम समय से पहले घोषित कर देंगे तो निश्चित तौर पर यहां पर हम जीत हासिल करेंगे। और ये जीत जो हासिल करना और जो उम्मीदवारों की घोषणा करना है ये मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने वाला है, और ये जो आकांक्षी सीट है यहाँ पर जीत की उम्मीद है, जीतने वाले उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है। जैसे कि अभी हमने बात की थी आपने एक और सीट की, जो प्रीतम सिंह लोधी की आपने पिछोर सीट की बात की थी, ऐसी ही एक सीट बरगी है और जबलपुर पूर्व की अगर हम बात करें आपकी, तो बरगी सीट पर कांग्रेस से संजय यादव है और जबलपुर पूर्व की जो सीट है खासतौर से एससी की रिजर्व सीट है, यहाँ पर अंचल सोनकर को घोषित किया है और बरगी से नीरज ठाकुर को घोषित किया है, और सामने दोनों दिग्गज विधायक है, इनको कैसे टक्कर देंगे राजपाल जी से जानते हैं। ठीक, देखिए दिग्गजों को टक्कर देने के लिए ही हमारी ये रणनीति है। आकांक्षी विधानसभा है ना, पिछली बार हम हारे हैं, हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि पिछली बार हम उन सीटों को हारे हैं, इस बार उन सीटों को हम जीतेंगे। और जीतने के लिए इन आकांक्षी विधानसभा क्षेत्रों में विगत एक वर्ष से जो है लगातार पार्टी का कार्यक्रम चल रहे थे, काम चल रहे थे, हमारे नेतागण इनके प्रभारी थे और सरकार और संगठन
दोनों ने मिलकर एक संयुक्त वहां पर काम के आधार पर, गरीब कल्याण के आधार पर, किए हुए विकास के आधार पर, सरकार ने गरीब कल्याण और विकास के काम किए, संगठन ने अपने तंत्र को मजबूत करने का काम किया। हमारे बूथ के त्रिदेव जो कि वहां पर हमने उनको डिजिटलाइज करने का काम करा, और डिजिटलाइजेशन ही नहीं अपितु ये कह सकते हैं कि पेज प्रभारी और पन्ना प्रभारी तक की हमारी वहां पर समितियां बनने का काम हुआ, और ये सारा काम जो किया है वो हमारे वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने किया है, और उनको जो है लगातार मार्गदर्शन करने का काम वहाँ के जो आकांक्षी विधानसभा प्रभारी उन्होंने किया, लगातार दौरे, लगातार बैठकें। आज हम इस स्थिति में हैं कि वो हमारा संगठन तंत्र मजबूत है, एक हाथ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए हुए काम और दूसरे हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर हमारे ये उम्मीदवार जाएंगे। आकांक्षी विधानसभाएं क्या केवल 39 हैं और इसमें छिंदवाड़ा तो नहीं है? नहीं नहीं, और भी अभी अगली लिस्ट भी आएगी, एक लिस्ट डिक्लेयर हुई है, और आकांक्षी विधानसभा तो 103 है मध्य प्रदेश के अंदर। 103 विधानसभाओं को हमने आकांक्षी विधानसभा की श्रेणी में लिया, उसमें ये 40 विधानसभा ऐसी है लिस्ट क्या ये पहले लिस्ट ये आना जिन पे हम लंबे समय से जीत नहीं पाए हैं। नहीं, ये लंबे समय से जीत नहीं पाए इसीलिए ये पहले, इसलिए 39 की आपने लिस्ट की बात कही है। चलिए ठीक है, ऋतु कुछ सवाल उनके पास है। ऋतु कुछ सवाल करना चाह रहे हैं जी। युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, युगल के पास ही मैं सबसे पहले जाऊंगी। युगल देखिए, चैलेंजिंग तो बहुत है क्योंकि बीजेपी के लिए हम लगातार देखते आ रहे हैं, हमने जिस तरह से देखा हार का मुंह देखना पड़ा है बीजेपी को लगातार। अब आखिर किस तरह की चुनौतियां बीजेपी के लिए होंगी, क्योंकि अगर हम पाटन की भी बात करें, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात आई है कि मुख्यमंत्री कि एक तरफ मुख्यमंत्री और एक तरफ उनके भाई रहेंगे, आखिर कितना चैलेंजिंग ये होगा और आखिर कितना दबदबा उनके भाई का पाटन में है? जी देखिए, अगर हम बीजेपी की सूची की बात करें और इसमें सबसे अहम बात यही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पाटन में घेरने की, उनके ही घर में उनको घेरने की तैयारी है बीजेपी ने की है, और ये पहले सूची ये दर्शाता है कि पूरा मुख्यमंत्री को घेरने के लिए बीजेपी का एक बड़ा फोकस है। जिस तरह से वहाँ पर विजय बघेल को पाटन के लिए उम्मीदवार बनाया गया है, तो ये कहा जा सकता है कि हर तरफ से घेरने की कवायद है बीजेपी है, वो अभी इस सूची में लगातार करती हुई नज़र आ रही है। अगर हम हार की बात करें तो बीजेपी 15 साल की सत्ता में बीजेपी रही, लेकिन 15 सीट है उस पर बीजेपी है वो सिमट सिकी। यहाँ पर उपचुनाव हुए, सभी उपचुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है, तो देखना ये होगा कि अभी जैसे कि राज्य सरकार कर रही है, कांग्रेस कर रही है कि सरकार बेहतर काम कर रही है, किसानों के लिए चाहे काम हो, महिला स्व सहायता समूह के लिए, कर्मचारियों के लिए, तो सरकार कह रही है कि लगातार वो काम कर रही है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या बीजेपी ने जिस तरह से अभी जो टिकट जारी किए, सूची जो जारी की है प्रत्याशियों के, तो उसके बाद ये पता चल पाएगा कि ये सूची कितना कारगर होगा। लेकिन उन सीटों के लिए अभी उम्मीदवार की घोषणा बीजेपी ने की है 21 सीट पर, जहां पर बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है, उसमें बड़े नाम अगर हम बात करें, रामविचार नेताम है, विजय बघेल हैं, तो इन बड़े नामों को भी चेहरा दिया गया है, ये इससे पहले भी चुनाव हारे हैं। विजय बघेल की अगर हम बात करें तो एक बार विजय बघेल हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव हरा चुके हैं, तो बीजेपी को ये लगता है कि जब पाटन में मुख्यमंत्री को अगर घेर सकते हैं तो अन्य सीटों में जीत है आसान हो जाएगा, क्योंकि भूपेश बघेल एक बड़ा चेहरा है, और बड़ा चेहरा इसलिए भी है कि वो हर विधानसभा की सीटों में जा करके प्रचार करेंगे, वो अन्य प्रत्याशियों को जिताने का मादा रखते हैं, और ठीक इसलिए बीजेपी को उम्मीद और भी बढ़ गई है कि विजय बघेल एक बार जो है भूपेश बघेल को हरा चुके हैं, तो है। ऐसे में कड़ी टक्कर की अगर बात कही जा सकती है, वाकोभर किसी भी हालत में नहीं मिल सकता, तो ये कहा जा सकता है सदी हुई रणनीति है यहाँ पर बीजेपी को देखने को मिल रही है। सदी हुई रणनीति बीजेपी की देखने को मिल रही है, ये कैसे साधा गया ये मैं सुधीर जी आपसे समझना चाहता हूँ। गोहद लाल सिंह आर्य को पार्टी ने टिकट दे दिया, 2018 में रणवीर जाटव जीते थे और सिंधिया समर्थक हैं, दावेदार भी थे, अब कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि ग्वालियर में बात यही हो रही है बार बार कि ग्वालियर में सबसे ज़्यादा मुश्किल बीजेपी के लिए रहने वाला है वहाँ मैनेज करना, सिंधिया भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, बाकी दिग्गज भी हैं जो बीजेपी के वहाँ से आते हैं, और ऐसे में जाटव, रणवीर जाटव का टिकट कट जाना,
देखिए बिल्कुल गोहद जो सीट है वो रिजर्व सीट है और लाल सिंह आर्य को लगातार छठी बार जो मौका मिला छठी बार रहेंगे और इस वक्त भी लाल सिंह आर्य पहले भी मंत्रिमंडल में थे, उसके बाद जब वो चुनाव हार गए तो चुनाव हारने के बाद मेवाराम जाटों से वो चुनाव हारे थे और चुनाव हारने के बाद आज वो अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष है यहाँ पर और कैबिनेट मंत्री का उनको दर्जा प्राप्त है। तो निश्चित तौर पर लाल सिंह आर्य का कद गोहद सीट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कोई छोटा कद नहीं है, बहुत बड़ा कद लाल सिंह आर्य वहाँ पर रखते हैं। उस सीट की जानकारी के बारे में या जो गोहद का जो इलाका है खासतौर से चंबल का इलाका है, हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया भलीभांति उस इलाके को जानते हैं, उनसे हम समझते हैं कि आखिर कैसे उसका समीकरण साधा जाएगा, शैलेंद्र कैसे समीकरण साधेगा गोहद और चंबल और उस इलाके का। देखिए अगर आप ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो अभी 4 से 5 सीटें जो है वो वहाँ की घोषित की गई हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सबलगढ़ की सीट। सबलगढ़ की सीट हमेशा से बीजेपी की सीट रही है, मेहरबान सिंह रावत यहाँ से लगातार विधायक रहे हैं लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी। अब उनकी जो पुत्र बधु हैं सरला ब्रजेंद्र रावत, उनको टिकट दिया गया है। अगर गोहद की बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि लाल सिंह आर्य वहाँ लंबे समय तक MLA रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार में कई प्रमुख मंत्रालय भी उन्होंने देखे लेकिन 2018 में उनको हार का सामना करना पड़ा था। 2020 में जब इस सीट पर बाय इलेक्शन हुआ तो सिंधिया के साथ जो आए विधायक थे उनको टिकट दिया था बीजेपी ने और उनको भी मेवाराम जाटव से हार का सामना करना पड़ा था और यही कारण है कि इस सीट पर सिंधिया समर्थक जो रणबीर जाटव है उनका टिकट काटा गया है और उनकी जगह लाल सिंह आर्य पर फिर एक बार पार्टी ने भरोसा जताया है। पिछोर की जो आप बात लगातार कर रहे हैं कि प्रीतम लोधी को तीसरी बार मौका दिया क्योंकि 30 साल से ये कांग्रेस का अजय किला माना जाता है। KP सिंह कक्का जो इस सीट पर लगातार चुनाव जीतते हैं। अगर दूसरी तरफ बात करते हैं कि चाचौड़ा की, ये लक्ष्मण सिंह यहाँ पर हैं, दिग्विजय सिंह के छोटे भाई, और उनके सामने प्रियंका मीणा को उतारा गया है। प्रियंका मीणा वही हैं जो दिग्विजय सिंह की बहुत खास मानी जाती थी। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का, सही बात है, कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का कमल उन्होंने थाम लिया। चर्चा जारी रहने वाली है क्योंकि बड़ी खबर है, बड़ी खबर ये कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 39 उम्मीदवार, छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।